अरुण चौधरी मेरे को एक दिन एक खबर दिया था सर, कंग्रेचुलेशन। मैंने बोला क्यों कंग्रेचुलेशन, क्या मैंने क्या बोले कि यू आर वन ऑफ द 100। तो इतना गहरा खबर जिसने देते थे उनका एक कहने से, एक पुकार से मैं यहां इस मीटिंग का, इस कार्यक्रम का, इसका जो एफर्ट है उसको, जो सिंसियरिटी ऑफ सीरियसनेस वो समझ के मैं दो दिन का लिए दिल्ली आया हूँ। आज यहाँ आने के बाद जो देखा आज का एजेंडा, गौतम जी भी बैठे हैं, डॉक्टर गौतम, पुराने हम लोग लड़ते थे यहाँ, पुराने जितने हैं प्रैक्टिकली एडवोकेट का डैडी पदम सिंह जी, जस्टिस पदम सिंह जी, हम लोग इकट्ठा ही मीटिंग करते थे। तो देख के देखा कि वही पुराना एजेंडा है, आज कोई नई एजेंडा नहीं है। कि हमारा ऊपर भारतीय लोगों को कुछ भी आप नाम बताइए, बहुजन बताइए, शेड्यूल कास्ट बताइए, अंतर्जातीय बताइए, बैकवर्ड बताइए, कुछ भी बताइए, हमारा ऊपर जो ब्राह्मण समाज के मुक्ति पर, ब्राह्मण समाज के और हिंदू धर्म का जो विचार जा रहा है उसका खिलाफ जिंदा रहने को लिए गठबंधन, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई बात में है भाई, ये स्लोगन है, एजेंडा हम लोग बहुत साल करे आ रहा है, आज भी वही एजेंडा है। एजेंडा तो सही है, एक एजेंडा में ये भी है कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी अलग से अपना बनाने का है। वो तो राम बिहार जी बनाया है, वो तो बहन मायावती जी भी एक चला रही है, पर थोड़ा सा देखे तो आसानी से थोड़ा सा बुद्धि लगा है। आपके कोई के सोचे कैसी दलितों का जितने पॉलिटिकल पार्टी है वो भी असलियत में दलित का लिए है, वो तो सर्वजन का पार्टी, और सर्वजन का मतलब होता है ब्राह्मण जन का, क्योंकि सर्वजन का गुरु ब्राह्मण होता है। तो हम नाम नहीं लेंगे, तो मैं भी सोचता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुजन का रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बहुजन का इंटरेस्ट करिए, बहुजन का दायरा तैयार हो जाए। हमारा समाज में आजकल में दो किस्म का समाज भाई देखता हूं, कुछ दलाली करते हैं, कुछ गुलामी करते हैं। 99% गुलामी करते हैं, लाचार है, और जो 1% जैसे पदम सिंह जी का बेटा एडवोकेट है, मेरा बेटा IAS है, ये ऐसी जिसका पैर के नीचे मिट्टी है, अरे गंदा हाथ में है, थोड़ा ताकतवर हुआ है, थोड़ा बात कर सकता है, सोच सकता है, वो लोग सारे दलाली के चक्कर में घूमता है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में कुछ बैठने का जाएगा मिल जाए, तो उधर जाके पढ़ा लेने का सोचते। इसलिए कभी एक मंत्री जी मेरे को टेलीफोन करता था, क्या अरे कुछ नहीं कर रहे, पढ़ रहा हूं, तो बोले नहीं आप एक बड़ा मीटिंग बुलाइए। मैंने बोला दादा सोच रहा हूं एक मीटिंग बुलाएंगे, जिंदगी
जो बीजेपी में
तो मैं इसका साथ जरूर।